नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो CHSL का फर्स्ट डे एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एनालिसिस ये भी बताऊँगा कि कौन सा पेपर का जो है लेवल डिफिकल्ट था, ओवरऑल गुड अटैम्प्ट कितना होगा, कितना जो है सेफ स्कोर आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में होगा। दोस्तों सब कुछ इसमें डिटेल्स में देखेंगे, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो दोस्त नए हैं चैनल को, जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने हर शिफ्ट के और जब तक पेपर चलते हैं पूरे शिफ्ट को हर डे के एनालिसिस यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। तो आगे की हर वीडियो आपको मिलती रही है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला, यहाँ पे जीके वाला पार्ट की अगर बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेलों के अंदर जो कोच होता है उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी बात करें, लास्ट बार जो पुरस्कार का समारोह हुआ है ये 29 अगस्त 2017 को हुआ था दोस्तों। और इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो 1985 से ये शुरू हुआ है। 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार को जो है देना शुरू किया गया है। एक बजट नेशनल फार्मा से, जो नेशनल फार्मा के लिए बजट रखा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया था बजट से रिलेटेड। देखिए, बजट के रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बजट का जो है करंट अफेयर आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बना दिया बजट के ऊपर, उसे देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों जो दाजीगाम जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर ये स्थित है। जम्मू जो और कश्मीर में जो श्रीनगर, वहाँ से 22 किलोमीटर दूर ये स्थित है। और 10 गांव इसका अर्थ है, दाजीगाम का मतलब 10 गांव से रिलेटेड इसका अर्थ है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान की। नेक्स्ट यहाँ पे एक पूछा गया था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो यहाँ पे वर्गीकी का जनक है वो किसे कहा गया है, तो कार्ल लिनियस है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट एक कंप्यूटर का रिलेटेड क्वेश्चन था, i3 प्रोसेसर रिलेटेड एक पूछा गया था, इंडिया वर्सेस US मिलिट्री एक्सरसाइज ने। अब ये पता नहीं चला कि कौन सा पूछा गया, 2017 में एक एक्सरसाइज हुई है, अभी एक 2018 में रिसेंटली जो हुई है जो उसका नाम है वज्र प्रहार। इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है इंडिया US के मिलिट्री के बीच में, उसका नाम है वज्र प्रहार और ये जनवरी 2018 में हुई है। इससे पहले जो एक्सरसाइज हुई थी इन दोनों के बीच में वो 2017 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और 2017 में जो हुई थी उसका नाम था युद्ध अभ्यास, उस एक्सरसाइज का नाम था युद्ध अभ्यास और वो उसका 13वां एडिशन था। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज शासक, तो आंसर हो जाएगा आपका रफेल फिच। रांची किस स्टेट की राजधानी है ये पूछा गया है यहाँ पे, तो झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन था कि SMTP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका राइट आंसर फुल फॉर्म होगा। एक इंद्रावती टाइगर पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में। और एक कलिंगा युद्ध जो है वो कब हुआ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक बुक से पूछा गया, देखिए बुक का क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर शिफ्ट के अंदर, तो बुक के भी आप अच्छे से। तो यहाँ पे प्लेइंग इट्स माई वे, एक कॉमन जो एक काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है पूछा गया है, तो इसका जो राइटर है वो है सचिन तेंदुलकर, इसके द्वारा ये लिखी गई है। एक विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वर्णांधता जो होता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस, वो कलर ब्लाइंडनेस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अगर मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि cos 4π/3 = तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -1/2। एक पूछा गया है 10 2x + cot 2x + 2 = ये वैल्यू पूछी गई थी इसकी। पीस ऑफ केक का आइडियम्स पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए पीस ऑफ केक का मतलब यहाँ पे मैं बता दूँ कि बहुत ही आसान काम जिससे होता है उसे पीस ऑफ केक कहा गया है। हिंदी में बहुत ही कोई आसान काम होता है तो पीस ऑफ केक कहलाता है वो। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे ये इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ से पूछे गए रीडिंग कंपेरिजन से और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए हैं, सेंटेंस एरर करेक्शन से पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन और इम्प्रूवमेंट से पूछे गए थे 3 क्वेश्चन और ब्लैंक स्पेस के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे 3 1 वर्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अदर ऐसे मिला के 4-5 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे मैथ की, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन, रेशियो से और एंगल से,
और यहाँ पे एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर्किल सीरीज ट्रायंगल इनसे सबसे क्वेश्चन जो है आज पूछे गए हैं। अगर ओवरऑल यहाँ पे गुड अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए रीजनिंग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे रीजनिंग का लेवल जो है ईजी था। 16 से 17 क्वेश्चन जो है 25 में जगह आपने अटैम्प्ट किए हैं तो गुड अटैम्प्ट होगा। जनरल अवेयरनेस का मॉडरेट कह सकते हो, 15 से 18 क्वेश्चन गुड अटैम्प्ट होंगे। और अगर बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड का भी मॉडरेट लेवल था, 16 से 17 क्वेश्चंस। और इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो, मतलब कि 17 से 18 क्वेश्चंस जो है आपके गुड अटेम्प्ट होंगे। अगर ओवरऑल 100 आउट ऑफ 100 में बात करता हूँ तो पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। और 66 से और 72 तक अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो एक गुड अटैम्प्ट कह सकते हो इसे आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इस बेस पे जो है आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है तो आप उसे इस बेस पे प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही इस वीडियो में बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी लौटूंगा सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।